बैन से कौन खुश होता है। ठीक हाँ है, लग गया बैन, ठीक है, गलती थी मेरी भी, जिस जिसके साथ हुआ दोनों की सबकी गलती थी, तो एक्सेप्ट करता हूँ मैं, तो इट्स ओके, 1 ईयर इट्स ओके। वैसे भी कोई टूर्नामेंट अब चल नहीं रहा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। एक वार्निंग मिलनी चाहिए थी क्योंकि ये मेरी पहली गलती थी, इससे पहले मेरे को भी कोई गलती करी नहीं है, बट जो फेडरेशन को मंजूर, अब क्या बोल सकते हैं जी। ऑब्वियसली अगर ये बैन ना होता मेरे पे, तो मैं ऑब्वियसली ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड जो था मैं खेलता जरूर, और अगर जब आने वाले कुछ महीनों में अगर होगा, जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो अगर मेरा बैन लिफ्ट किया जाएगा तो ऑब्वियसली मैं खेलूंगा। इंडियन टीम के लिए कौन नहीं खेलना चाहता इस टाइम पर, तो बढ़िया चल रहा है बिकॉज मेहनत चल रही थी, सब बढ़िया चल रहा था कोचेज के अंडर। इधर जलंधर में, लुधियाना में कैंप वैम्प लगते थे जब इंडिया कैंप लगा था तब भी, तो सही है, अभी चल रहा है। हमारे ऊपर है कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट करते रहे तो ऑब्वियसली हम परफॉर्मेंस भी देते रहेंगे, इसलिए नहीं, मैं कुछ रिक्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा BFI का। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, जो BFI ने ऑलरेडी अपने डिसीजन दे चुके हैं, व्हाट कैन आई से अबाउट इट, सो इट्स ओके। पहली बात तो आई थिंक मोस्ट सबको पता ही है बात क्या हुई थी, बट जो भी फेडरेशन ने डिसीजन लिया था उन्होंने सब कुछ देख के लिया होगा ऑब्वियसली, जो भी बात हुई उसको, सर हर एक कोचेस की बात को सुन के, और मैनेजर्स प्लेयर्स को शायद अगर उन्होंने अप्रोच किया होगा बात करने के लिए, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी जितनी बात मुझसे पूछी गई थी फेडरेशन के थ्रू मैंने सब बता दिया था जो जो हुआ था, तो फेडरेशन ने जो भी डिसीजन लिया होगा सपोजली सबको सबकी बात सुन के लिया होगा, सो ठीक है जो भी हुआ था। बट आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये सारी चीजें इन पब्लिक ऐसे बोलनी चाहिए कि क्या क्या हुआ था, सो आई जस्ट कीप इट टू मी। क्लियरेंस कुछ नहीं, जैसे दूसरी तरफ से अगर मुझ पर एलिगेशंस लग रहे हैं तो वो जो लगा रहा है उसको भी पता है कौन से सही है और कौन से गलत है, और मुझे तो पता ही है कि क्या सही है और क्या गलत नहीं है, सो मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी की भी एलिगेशन से, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ और क्या गलत, तो इसलिए मुझे ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है मेरे बारे में किस टाइम पर। सो मैं जस्ट अपना वर्कआउट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ ग्राउंड पर, कि अपना प्रैक्टिस करूँ और जितना परफॉर्म कर सकता हूँ उतना करूँ बस। हाँ ऑब्वियसली अवॉइड किया जा सकता था, सब कुछ उधर ही रह जाता कोचेस के पास, अगर ये बात सोशल मीडिया या रात को पुलिस ना बुलाता तो, और सोशल मीडिया पर ना ये बात डलती, तो शायद ये बात को हैंडल कर सकती थी BFI अपने तरीके से, बट जब ये बात सोशल मीडिया पर चले गई और सारी पुलिस वगैरह को पता लग गया, तो इट जस्ट केम आउट लाइक फायर, तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाया उस बात को, वो बात फैलती गई फिर उसके बाद में, नहीं उसको कंट्रोल किया जा सकता था। नहीं देखो सर, मैंने कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पर ना मैंने पहले डाला था, ना मैंने अब डाला है, ना मैं आगे किसी के अगेंस्ट ऐसा कुछ डालूंगा। जो मुझे बात होती है मैं उसके साथ फेस टू फेस बात करूंगा, मुझे सोशल मीडिया की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो भी बात थी BFI हम दोनों को बिठा के वहां पर करवास कर कर देती, बट अगर ये बात सोशल मीडिया या पुलिस तक ना पहुंचती, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि मेरे कहने से मैच जीते, क्योंकि जितने भी सारे प्लेयर्स थे ऑब्वियसली सिलेक्शन होके पूरी टीम बन के अच्छी तरीके से खिंच गई थी, ऑब्वियसली मेरी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि मेरे मेरे लेवल पर और मेरे पोजीशन पर खेलने वाले और भी काफी अच्छे प्लेयर हैं। तो बेरिन के साथ जो लास्ट में थोड़ा सा डिफेंसिव मिस्टेक हो गया था, बट वो ऑब्वियसली बास्केटबॉल में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं बिटवीन गेम्स या आउट ऑफ द, तो ये के साथ दैट वाज रियली गुड, क्योंकि मैंने दोनों गेम लाइव देखी थी, काफी अच्छा खेली टीम, लाइक बॉल कॉम्बिनेशन वगैरह, उनकी पासिंग एंड ऑल, उनकी शूटिंग परसेंटेज आउट ऑफ द लाइन, इनसाइड द लाइन काफी अच्छी थी। इराक वाले मैच में देखो हर एक, जो मैं भी मतलब 2014 से खेल रहा हूँ इंडिया टीम से, तो हर एक मैच के बाद टीम मीटिंग्स होती हैं, आपको भी पता ही है, तो उन टीम मीटिंग्स में कोच सब कुछ समझाते हैं कि हमारे पिछला मैच था उसमें हमने क्या क्या गलती की, तो उस गलतियों को हम दिमाग में रख के अगले मैच में हम कवर अप करते हैं, कि जो से हमारे पिछले मैच में इस कारण हमारे टर्न ओवर वगैरह हुए हैं, तो ये हमने अगले मैच में नहीं करने। तो मुझे लगता है कि इराक वाले मैच में इस टीम ने बहुत अच्छी तरह उस चीज को उठाया कि हमने टर्नओवर्स कम करने हैं, एंड वी हैव टू यू नो कीप अप द पेस, डिफेंस सबसे मेन पार्ट था, डिफेंस बहुत अच्छा किया सारी टीम ने, और मतलब जैसे हम कहते हैं कि एज ए टीम, तो इंडिया टीम उस मैच में एज ए टीम खेली थी प्रॉपरली, टीम कॉम्बिनेशन, पासिंग, डिफेंसिव हेल्प थी प्रॉपर, और बेंच से भी फुल सपोर्ट आ रही थी अच्छी तरह, तो इसलिए मुझे लगा कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, मतलब आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स,
इंडियन टीम के लिए खेलना तो मैंने डिसाइड नहीं किया था, वो तो खुद ही होता गया धीरे धीरे जैसे मैं खेलता गया डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल पर। बट मैंने तब डिसाइड किया था, मेरा भाई बड़ा भाई माय एल्डर ब्रदर यूज टू प्ले बास्केटबॉल अपने कॉलेज टाइम पर स्कूल टाइम पर, तो उनको देखते देखते मैं भी थोड़ा सा उनके साथ ग्राउंड जाने लगा, तो तब मैंने सोचा कि हाँ यार ये गेम अच्छी है, इंटरेस्टिंग है और लाइक बहुत फिजिकली मतलब अच्छी है फिट रहने के लिए भी, तो तब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट बना इस गेम में। आई वॉज इन 9th 2011 आई स्टार्टेड मोमेंट इंडिया टीम में। हाँ जब हम 2016 में सॉरी एशिया कप के लिए गए थे तो तब हम 7th आए थे, तो वो बहुत अच्छा मोमेंट था। आफ्टर 27 ईयर्स इंडिया की टीम 7th आई थी जो मतलब रिकॉर्ड में है, मैंने देखा भी था, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फेल्ट रियली प्राउड कि एटलीस्ट हम जब इतना साल हो गए खेलते को तो हमने कुछ कुछ ना कुछ तो किया है इंडियन टीम के लिए, तो मुझे वो बहुत आई फेल्ट रियली प्राउड अबाउट माई सेल्फ एंड फॉर द होल इंडियन टीम कि वी केम 7th आफ्टर 27 ईयर्स, तो वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। जब यूबीए में प्रोफेशनल यूबीए चल रही थी इंडिया में उस टाइम हम खेलने गए थे, शायद लेबनान खेलने गए थे वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, तो वहाँ पर मुझे अपना सीरिया के प्लेयर्स ने पूछा था कि तुम्हारी कंट्री में ये प्रोफेशनल लीग चलती है, मैंने कहा चलती है, तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू कम, और जब आप इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं 2018 में तब भी उन्होंने पूछा था वहाँ पर इंडोनेशियन प्लेयर्स ने कि तुम्हारे प्रोफेशनल लीग चलती है, तो हाँ प्रोफेशनल लीग काफ़ी बहुत बड़ा मतलब एक फर्क है एक इंडियन प्लेयर्स में लाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल लीग इंडिया में आने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्लेयर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं हमारे कंट्री में हमारे साथ खेलते हैं, हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है, तो काफ़ी डिफरेंस फर्क पड़ता है। रिएक्शन ऑब्वियसली क्योंकि यूबीए अच्छा पे कर रही थी प्लेयर्स को, क्योंकि आजकल प्लेयर्स आपको पता है कि पैसा चाहिए प्लेयर्स को ट्रैवल करने के लिए, कोई कैंप्स लगते हैं तो उधर जाने के लिए अपनी डाइट के लिए वर्कआउट के लिए जिम वगैरह मेंबरशिप के लिए पैसे चाहिए, तो यूबीए अच्छा पे भी कर रही थी सारे प्लेयर्स को पर सीजन या कई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पर ईयर का और लाइक 5 ईयर्स, तो काफी अच्छा पेमेंट था। जब पैसे आने बंद हो गए वाज डिफरेंट थिंग, बट जो वो जो सा हमें एक्सपीरियंस मिल रहा था उस लीग से वो जब बंद हुआ तो थोड़ा सा ऑब्वियसली लगा कि जो सा हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे इस लीग से वो बंद हो जाएगा एकदम से, जो हमने सीखने को मिलेगा वो सारा कुछ बंद हो जाएगा एकदम से, तो बिल्कुल ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगा। हमने बात भी करी थी फेडरेशन वालों से भी कि लीग चलवा दी जाए, बट कोई ऐसा मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, उन्होंने जरूर बोला कि वो अपनी तरफ से जौन सी है बास्केटबॉल फेडरेशन की लीग चालू करवाएंगे, तो हम बस उसी की वेट कर रहे हैं कि कब ये लीग शुरू होगी, कोई ना कोई कैसी भी लीग हो बस कोई लीग शुरू होनी चाहिए। जहाँ तक ये फाइनेंशियली की बात है मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं हमेशा, कभी भी जैसे हमारा कोई भी इंडिया कैंप लगता है तो हमें खुद की टिकट लेके जाना पड़ता है हमेशा, तो उस टाइम फिर मेरे डैड मेरे पेरेंट्स मेरी टिकट बुक करवा देते हैं, तो फिर उसके लिए जाना, फिर वहां पर हमें जाके फॉर्म मिलता है कि हमें वो रीपे होगा, बट आज तक मैंने काफी टाइम फॉर्म फिल किया है बट अभी तक कोई रीपेमेंट आई नहीं है, तो होप सो फ्यूचर में आ जाए कभी भी। नहीं BFI की तरफ से जितना टाइम मुझे खेलते को हो गया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे, हम जब 2016 में मैंने आपको बताया कि जब हम 7th आए थे तब उन्होंने प्राइज अनाउंस किया था शायद 5 लाख टीम को, तो उसमें से पॉन्डिचेरी नेशनल हुई थी 2017 में, तब हमें वो कैश प्राइज मिला था पूरी टीम को।